पूरे साल की मेहनत, खून पसीना नजरों के सामने बह जाए और बच्चे खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हो जाएं। कुछ ऐसे हालात 9 बच्चों की मां अजीजा और उसके शौहर के साथ सैलाब और बारिश से होने वाली तबाहकारियों से पेश आए। मेरा दर्द नगमे बेसदा, मेरी जात ज़रा बेनिशान। शिकारपुर सिंध की रिहायशी अजीजा, जिसके शौहर की साल भर की मेहनत, हरी भरी खेती सैलाब की तबाहकारियों का शिकार हो गई। अपने 15 साल से कम उम्र 9 बच्चों को लेकर बेसरो सामानी के आलम में बिना छत रहना जिंदगी का एक ऐसा तल्ख तजुर्बा था जिससे अजीजा को ऐसा लगा कि दुनिया में उसके रहने को कहीं कोई जगह नहीं। सैलाब से हमारी पूरी फसल तबाह हो चुकी थी, घर भी गिर गया था। बच्चों को लेके हम खुली मैदान में बैठे हुए थे। मेरा एक बच्चा माजूर भी है। हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं था। बच्चों को मोशन भी हो गए थे और मुझे मलेरिया भी हो गया था। पीएस वाले जब आए थे, हमारे हालात बहुत ज्यादा खराब थे। मेरे दर्द को जो ज़बाँ मिले, मुझे अपना नाम निशान मिले। हमारा जानवर सैलाब में डूब गया था। इन लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया। हमें मेडिकल कैंप ले गए, जहां डॉक्टर ने मोशन का और मलेरिया का इलाज किया और बच्चों के हिफाजती टीके भी लगाए। बाजी ने वफ़े के बारे में बताया और वफ़े के मुख्तलिफ तरीके भी बताए। जो मुझे ये राज़े नहां मिले, मेरी खामोशी को बयां मिले। मुश्किल की इस घड़ी में PSI, RSPN, SRSO, DAFPAC की टीम ने अजीजा का भरपूर साथ दिया। PSI की टीम ने 1500 से जायद फ्री मेडिकल कैंप्स लगाए और अपने तरबियत याफ्ता डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के हमरा ऐसे हालात में घिरे 1,40,000 से जायद हेल्थ कैंप बेनिफिशरीज का इलाज किया और 2,40,000 से जायद लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में मुकम्मल आगाही दी। खवातीन को 1400 से जायद डिलीवरी किट्स बांटी गईं, 1200 से जायद न्यूबॉर्न्स एसेंशियल किट्स तकसीम की गईं और IUCD और दूसरे तरीकों पर आमादा करके इनकी जिंदगी में उम्मीद की जगह बनाई। मेरी खामोशी को बयां मिले, मुझे अपना नाम निशान मिले। सैलाब ज़दा इलाकों में मौजूद बच्चों को हिफाजती टीके लगाए गए और 1000 से ज़ायद कम्युनिटी अवेयरनेस सेशंस का इनेकाद किया गया। बहाली का ये काम अभी खत्म नहीं हुआ है, हमें अभी और आगे जाना है और तमाम लोगों को इस मुश्किल वक्त से निकालना है ताकि आने वाले वक्तों में ये लोग दुनिया के साथ चलने के लिए अपनी जगह खुद बनाते रहें। मुझे कायनात की सर